कोरोना काल के इस विकट परिस्थिति में हर आदमी आर्थिक मुसीबत से परेशान है, पर साइबर क्राइम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। किस्सा है मुंबई के अंधेरी के लोखंडवाला परिसर का, जहां पर सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, बड़े बड़े उद्योगपति और प्रोफेशनल लोग रहते हैं। हुआ यूं कि ऑनलाइन बियर मंगाने के चक्कर में लगा 22,000 का चूना। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी यह कहानी। 30 अप्रैल की तारीख को यहाँ पर एक द चेयर्स वाइन शॉप करके शास्त्री नगर में लोकेटेड है, बिल्कुल भक्ति वेदांता स्कूल के 40 मीटर के दायरे में, जो कि इलीगल है। खैर, ये एक दूसरी पॉइंट है। बेस पॉइंट है कि उसमें से हमें कुछ ऑर्डर देना था, तो उनका नंबर जो है हमने गूगल में से सर्च करके उसमें कॉल किया, और जैसे ही हमने कॉल किया तो 590 का कुछ बिल था। 590 का बिल में उन्होंने कहा सामने से कि आप एक काम कीजिए सर, हम कैश नहीं लेंगे, आप पेटीएम या जीपे कर दीजिए हमको, तो हम आपको डिलीवरी दे देंगे। हमने पेटीएम कर दिया 590 रुपये। 5 मिनट में वापस कॉल आया कि सर, आपका ऑर्डर का ही ये पेमेंट आया है, हमें ये वेरीफाई करना है, और ये फ़ोन मेरे बेटे ने उठाया था क्योंकि मेरे बेटे के पेटीएम से पेमेंट की गई थी। तो उन्होंने कहा कि आपका जो पेटीएम से जो पैसा आया, मुझे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के उसमें मेरे बेटे से पूछा गया कि आपको मैं QR कोड भेजता हूँ, उसको आप स्कैन कीजिए तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर है। तो मेरे बेटे ने कहा मेरे को QR कोड वगैरह जो है ये स्कैन करने के लिए दूसरा मोबाइल है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक पेटीएम में जो है ये XYZ बटन दबाइए, ऐसे ऐसे दबाने से हमें वेरीफाई हो जाएगा। और ऐसे करते ही उन्होंने 18,900 का एक स्वाइप मारा, जो कि फेल हो गया क्योंकि उतना बैलेंस मेरे बेटे के अकाउंट में था नहीं। फिर तुरंत ही उसको कन्वर्सेशन में लेते हुए 9,901 रुपया उन्होंने माइनस कर दिया, मतलब अपने अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट कर लिया चेयर्स वाइन शॉप वालों ने। तो जिससे मेरा बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, हालांकि मैं उसके बिल्कुल करीब नहीं था। थोड़ी देर में मेरे बेटे ने बताया, पापा ये चेयर्स वाइन शॉप से जो हमने ऑर्डर किया था उसमें से 9,900 उनके पास गए, वो हमको क्रेडिट करना चाहते हैं, तो क्रेडिट करने के लिए आप अपना जीपे नंबर दीजिए क्योंकि ये मेरे पेटीएम में वो कर नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं पेटीएम में कर पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पेटीएम में ऐसा है कि उनका जो लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन टूवर्ड्स मेरे बेटे के अकाउंट पे वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए वो जीपे नंबर मांग रहे थे ताकि वो जीपे कर सकें। तो मेरे बेटे ने मेरी वाइफ का, यानी मेरी वाइफ जो डॉक्टर है, डॉक्टर पूजा, उसका जीपे नंबर दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको जीपे में ये 9,901 रुपया वापस देने के बहाने, हालांकि ये स्कैम जो फिशिंग जिसे कहते हैं ये बहुत हो रहा है, हम थोड़ा सा अलर्ट रहने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से, मेरी वाइफ ने भी वो कोशिश की, और उसकी बातों पे बिल्कुल ना भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको जीपे करना है तो आप तुरंत पेमेंट कर दीजिए ना, इसमें मुझे जीपे का ऐप खोलने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं इसको जीपे मोबाइल से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम से आपको पे कर रहा हूँ, तो इसका प्रोसेस ऐसा है। तो हालांकि वो डाउट बिल्कुल कंटिन्यूटी में आ ही रहा था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। बोले मैडम, आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप सिर्फ जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इसमें आप अपना बैलेंस जो है उसमें सिर्फ आप देखिएगा कि आपको क्रेडिट होगा, डेबिट होगा नहीं। तो चलो ठीक है, क्रेडिट होने के लिए थोड़ा सा उसने कॉन्फिडेंस गेन किया, तो उसने कहा आप प्रोसेस जीपे खोलिए, उसमें आप सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 रुपये डालिए, अपने बैलेंस चेक कर लीजिए और 2 रुपये डालिए। और मेरी वाइफ ने उसमें 2 रुपये डाला, और 2 रुपये डालते ही उन्होंने कहा अब इसको आप पे दबाइए। तो पे दबाते ही UPI, मतलब जो आपका पिन कोड होता है वो पिन कोड डाल के पे दबाइए, तो वाइफ के अकाउंट में तुरंत 2 रुपया क्रेडिट हो गया। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा एक विश्वास सा हो गया। देखा जाए तो इट वाज बेसिकली एन आई वॉश, ये उन्होंने किया क्या एक्चुअली, बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि 2 रुपया डेबिट तो हुआ लेकिन सामने से उन्होंने 4 रुपया क्रेडिट कर दिया था, जिसकी वजह से हमें वो 2 रुपया प्लस दिखाई दिया। तो दिस वॉज बेसिकली टू गेन अ कॉन्फिडेंस, ही ट्राई टू फूल माई वाइफ दिस वे। और उसके बाद में उन्होंने कहा अभी आप 9,901 रुपया डालिए, जो मेरे बेटे के अकाउंट से गया था वो आपको क्रेडिट हो जाएगा, और जैसे ही उन्होंने वो किया वो डेबिट हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ। तो सर आपने इसका कोई FIR और कंप्लेन की है? जब ये डेबिट होने के साथ दूसरा दो तीन डेबिट होकर टोटल 40,000 रुपये लॉस होने के बाद माई वाइफ गॉट पैनिक एंड शी कम्युनिकेटेड विथ मी। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया, अम्बोली पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखाने के लिए गया। हालांकि आई डोंट नो, आई वाज लिटिल बिट सरप्राइज कि पुलिस भी FIR लेने से थोड़ा हिचकिचाती है, शायद उन्हें काम करना पड़े, बट एनीवे FIR हुआ।
एफआईआर मैंने किया, उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने सारी दी विथ ऑल यूपीआई कोड्स एंड एवरीथिंग। इमीजिएटली मैंने उसी रात को या जिस जिस अकाउंट से पैसे गए थे, जैसे एक यस बैंक था और एक सरस्वत बैंक था, यस बैंक और सरस्वत बैंक के हेड ऑफिस में, हेड ब्रांच के ईमेल आईडी में और इनके ब्रांच ऑफिस में मैंने तुरंत ही मेल किया उसी रात को। और मेल करने के साथ, क्योंकि 30 अप्रैल जो था वो फ्राइडे की रात थी और 1 मई और 2 मई सैटरडे संडे होने के कारण बैंक बंद थी, तो 3 मई को मैं जाके पर्सनली यस बैंक के ब्रांच ऑफिस में और सरस्वत बैंक के ब्रांच ऑफिस में हार्ड कॉपी विद कंप्लेंट अलोंग विद एफआईआर सबमिट करके आया। क्या सर आप इस दौरान वो चीयर्स वाइन साहब के लोगों से मिलने की कोशिश की? बिल्कुल, मैं संडे के दिन यानी 2 तारीख को, 2 मई को चेयर्स वाइन शॉप में गया पर्सनली दिन के समय। वहाँ पर उनका एक मैनेजर था, वो मैनेजर से जब मैंने अपनी कहानी बताई, जब उसे बयां किया, तो वो बड़ा रिलैक्स और नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था। वो बोलता है ये तो रोज़ की कहानी है, हम तो 3 साल से ये झेल रहे हैं, मतलब ये हमेशा हो रहा है। और अभी 4 दिन पहले भी उनके यहाँ कोई लेडी 67,000 रुपीज़ का लॉस कर चुकी थी, जो अंधेरी के लोखंडवाला में न्यू महाड़ा में रहती है। तो वो उन्होंने कहा कि ये हम मैंने आप उनसे कहा कि भाई आपने कहीं कंप्लेंट क्यों नहीं डालते हो आप, इससे तो आपके लोकल एरिया के लोग बहुत बुरी तरह से लूट रहे हैं। बोलते वो मेरा सेठ जाने हम हमें तो पता नहीं। तो मैंने उसके सेठ का नंबर मांगा, उसके बॉस का नंबर मांगा और उसके बॉस को मैंने दूसरे दिन फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉस को शायद इस मैनेजर ने अपना मेरा नंबर दे चुका था और उस बॉस ने मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा था एंड ही वॉज नॉट रेडी टू विलिंग टू टॉक टू मी ऑन दिस रिगार्ड्स। सो विच क्लियरली आइडेंटिफाइज, ये मुझे क्लियर पोर्ट्रे होता है कि इसमें ये वाइन शॉप की मिली भगत है और ये क्राइम में बिल्कुल पूरी तरह से इसमें शामिल है। क्या ये वाइन शॉप के जो ओनर्स है उनकी जानकारी आपने पुलिस प्रशासन को दे दी है? जी बिल्कुल, मैंने पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी है और मैं अपने एफआईआर के स्टेटमेंट में दूसरा एक स्टेटमेंट भी एफआईआर में डालने वाला हूँ आज और कल में, जिसमें मैं चेयर्स वाइन शॉप के खिलाफ कोर्ट में भी जाने वाला हूँ अलॉन्ग विथ दिस बैंक्स, बिकॉज मुझे सारस्वत बैंक से एक लेटर आया है रिप्लाई में। बहुत कन्वीनियंटली सारस्वत बैंक ने मुझे एक रिप्लाई दिया है कहते हुए कि ये तो आपकी नेग्लिजेंस है, इसमें कोई क्राइम हमें दिखता नहीं है क्योंकि आपने यूपीआई कोड डाला है। तो मैंने कहा भैया पहली बात तो बैंक के हर सेविंग अकाउंट्स आर इंश्योर्ड विथ अराउंड 5 लाख्स ऑफ रुपीज अमाउंट राइट फ्रॉम आरबीआई नॉर्म्स, और आपको अगर हम तुरंत विद इन 24 आवर्स ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हाउ कैन यू कॉल इट अ नेग्लिजेंस। और इसका मतलब उन्होंने प्रॉपर एफआईआर भी उन्होंने नहीं पढ़ा और ब्लाइंडली उन्होंने एक रिप्लाई बना के हमें भेज दिया है। हालांकि सेम टाइम पे यस बैंक इज स्टिल अंडर प्रोसेस एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट। तौर पे लॉकडाउन का जो ज़माना है इसमें कई लोग हम घर पे बैठे हुए हैं और ज़्यादातर हम ऑनलाइन पे ही डिपेंड हो रहे हैं, और इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे भरोसा करके गूगल में सर्च करते हैं। इसी तरह से हमने भी चेयर्स वाइन शॉप का गूगल में सर्च किया और उसका ये नंबर हमने पाया। चेयर्स वाइन शॉप आप जैसे ही गूगल में डालते हो तो आपको ये नंबर मिलता है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, और ये नंबर आप कोई भी इंसान इसको डायल करेगा और वो एक इस फ्रॉड का शिकार बन जाएगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।